बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो जी आज हम हाजिर हैं आपके सामने चिकन सूप की रेसिपी के साथ, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। इसके लिए मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया है। आप चाहें तो 500 ग्राम से करीब चिकन ले सकते हैं, हड्डी वाला। और साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 4 कप पानी। आप चिकन का कोई भी पार्ट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 कप गाजर। आप गाजर को क्यूब्स फॉर्म में भी कट कर सकते हैं, मैंने यहाँ स्लाइसेस फॉर्म में इसको कट किया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। और 30 मिनट के लिए जो हम इसको लो फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारी जो चिकन है वो अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पर मैंने 1/2 कप पानी ले लिया, जिसके अंदर इतने ही बड़े 2 साइज़ के जो है मैं चम्मच भर के जो है मैदे के डालूंगी। और इसको अच्छे तरीके से जो है मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। दूसरी तरफ जो है हमारी चिकन जो है वो पक चुकी है, यानी 30 मिनट हो चुके हैं। इसे निकाल के हम इसके रेशे कर लेंगे। और साथ ही मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अब मैंने इसके अंदर जो है श्रेडेड चिकन, जो मैंने चिकन के रेशे किए थे, वो डाल दिए हैं। साथ ही इस पॉइंट पर जो है हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। नमक याद है कि मैंने पहले इसके अंदर ऐड नहीं किया था। अब यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून जो है मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना भी डालना चाहे डाल सकते हैं, और बाद में भी टेस्ट करके इसके अंदर मज़ीद नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर जो मैंने मैदे का पानी तैयार किया हुआ था, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको ऐड करने के बाद मिक्स करके हम इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए। अगर आपको ज़्यादा थिक पसंद है तो आप ज़्यादा मैदा भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हाँ तो जी, यहाँ काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो इसके अंदर अब मैं एक अंडा जो मैंने लिया था, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। वो थोड़ा थोड़ा करके हम इसके अंदर डालेंगे और साथ साथ चम्मच हिलाते रहेंगे, ताकि अंडे के अच्छे से रेशे बन जाए। तो जी, हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। मज़ीद 4 से 5 मिनट ये पका है और हमारा सूप बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको मैं सर्व कर रही हूँ विद हॉट चिली सॉस। और ये मैंने 2 टेबल स्पून विनेगर लेकर, वाइट विनेगर के अंदर कुछ हरी मिर्चें डाल दी थी। और इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप रख दें तो ये बहुत अच्छी सी सॉस तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा चिकन सूप तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मुझे और तुबा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।